हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आप देख रहे हैं श्रीदेवी आकाश, मैं हूं आपका अपना दोस्त आकाश। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में बातें कर चुके थे कुछ ट्रिक्स के बारे में, एल्किल ग्रुप में कुछ ट्रिक्स होती हैं, जैसे 211 मैंने बताया था, 211, 431, ये सब ट्रिक मैंने बताई थी ब्यूटेन पेंटेन में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं आईएसओ ग्रुप और नियो ग्रुप क्या होता है। ठीक है, जो आईपीएससी नॉमिनेशन में अधिकतर यूज होता है कि ये आईएसओ ब्यूटेन है, ये नियो पेंटेन है, ऐसे ऐसे यूज होता है ना, आईएसओ और नियो ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में आज जानने वाले हैं, आइसो ग्रुप और नियो ग्रुप क्या होते हैं। तो आइसो ग्रुप मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आइसो ग्रुप हम लोग किसे कहते हैं जिसमें 3 कार्बन होते हैं और कितने 7 हाइड्रोजन होते हैं। जैसे C3H8 होता है, उसमें से जब एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो वही एल्किल ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो इसमें आइसो ग्रुप में 3 कार्बन होते हैं जो ऐसे इस फॉर्म में अरेंज होते हैं। अगर वो सेकेंडरी कार्बन पे, मतलब दूसरे वाले कार्बन पे, सेकेंडरी कार्बन पे अगर वो फ्री वैलेंसी है, खाली हाथ है, खाली डंडा है, जो डंडा लगा होता है, अगर वो सेकेंडरी वाले कार्बन पे है, ठीक है, 2 डिग्री कार्बन पे है, तो इसे हम लोग आइसो ग्रुप कहते हैं। और ये किसी भी चेन में, किसी भी चेन में ये इसी फ्री वैलेंसी के द्वारा ऐड होता है, तो इस पूरे ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, आइसो ग्रुप कहते हैं। और इसमें मिनिमम 3 कार्बन रहते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा, मिनिमम 3 कार्बन होते हैं। और जो नियो ग्रुप होता है उसमें मिनिमम 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, नियो ग्रुप में मिनिमम 5 कार्बन होते हैं और वो इस फॉर्म में अरेंज होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, प्राइमरी कार्बन से ही जुड़ा होता है, फ्री वैलेंसी जो रहता है वो प्राइमरी कार्बन के पास ही रहता है, लेकिन जो ये प्राइमरी कार्बन है वो एक और कार्बन से जुड़ा होता है जो कि क्या होता है, टर्सियरी, अरे सॉरी क्वार्टरनरी होता है। ठीक है, क्वार्टरनरी कार्बन से जुड़ा होता है, क्योंकि ये देखिए इससे लगा हुआ ये कार्बन, ये 4 कार्बनों से लगा हुआ है, ये क्वार्टरनरी कार्बन। तो इस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं नियो ग्रुप। लेकिन इसमें ये बात है कि ये चेन से किस कार्बन से जुड़ता है, कोई अगर चेन में अटैच होना है तो किससे अटैच होगा, ये हमेशा ये प्राइमरी कार्बन, इस पर फ्री वैलेंसी रहती है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये कार्बन जो है ये प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि इससे एक ही कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको, इस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं नियो ग्रुप, आइसो नियो आएगा। मैं एग्जांपल कराऊंगा आपको तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एग्जांपल इसी टाइम देख लीजिए, जैसे कि ये एक हमने एग्जांपल ले लिया है। ठीक है, अच्छा खासा एग्जांपल है, बढ़िया एग्जांपल है, आपको अच्छा लगेगा देख के, अगर आपने पूरा अच्छे से सीख लिया तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जैसे एक एग्जांपल है, तो हम लोग इसमें बताना चाहेंगे आइसो कितने हैं और नियो कितने हैं। ठीक है, आइसो ग्रुप और नियो ग्रुप हमसे यही पूछता है। तो जैसे कि आपको बताऊं, नियो ग्रुप मैंने बताया कि इसमें 5 कार्बन होते हैं मिनिमम, तो हम लोग देखेंगे जहां पे 5 कार्बन मिनिमम होंगे वहां पे मिनिमम 5 कार्बन चाहिए नियो ग्रुप के लिए। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं नियो ग्रुप, जैसे यहाँ पे सामने आपको दिखा है, आप एग्जांपल लिख लीजिएगा और आप इसमें ढूंढिएगा कि 5 कार्बन कहाँ पे है, कहाँ पे नियो ग्रुप हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया है जो फ्री वैलेंसी होगी वो प्राइमरी कार्बन पे ही होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको करके दिखा दिया है कि ये नियो ग्रुप है। आप बताओ कैसे 5 कार्बन है कि नहीं है। और मैं आपको ये सब वीडियो में पहले भी बता चुका हूं कि जहां जहां पे पॉइंट होते हैं, जहां जहां पे बिंदु होता है, वहां वहां पे कार्बन होता है। ठीक है, तो ये देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, तो 5 कार्बन हो गए। और 5वें कार्बन, ये जो कार्बन है इस पे फ्री वैलेंसी है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये फ्री वैलेंसी है। ठीक है, प्राइमरी कार्बन यहां पे नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पे ये कार्बन से लगा हुआ है, यहां पे ये सेकेंडरी हो गया है। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि इस पूरे ग्रुप को अगर हम यहां से हटा दें, एक खाली डंडा लेके हटा दें, तो इस पूरे ग्रुप को हम क्या कहेंगे, नियो ग्रुप। ठीक है, ये नियो ग्रुप हो गया आपका। नियो ग्रुप के बाद ये देखिए हम लोग आइसो ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। आइसो ग्रुप में मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए, तो मिनिमम 3 कार्बन जहां पे होंगे और जहां पे वो सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा चेन से, तो वही आइसो ग्रुप होगा। जैसे कि आप यहां पे देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 3 कार्बन हो गए। और ये सेकेंडरी कार्बन से, ये देखिए 1 कार्बन इधर जुड़ा हुआ, 1 कार्बन इधर जुड़ा हुआ, ये सेकेंडरी कार्बन हो गया, यहाँ पे अटैच हो गया, तो ये टर्सियरी कार्बन हो गया। ठीक है, तो ये इतना जो ग्रुप बना, ये तो आपका क्या बन गया, आइसो ग्रुप, 3 कार्बन हो गए और ये सेकेंडरी कार्बन से इस पूरे चेन से लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एक आइसो ग्रुप हो गया। एक और आइसो ग्रुप आपके सामने यहाँ पे है, ये देखिए 1 2 3 कार्बन हो गए और ये सेकेंडरी कार्बन से, ये देखिए चेन से लगा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया आइसो ग्रुप। तो इसमें कितने हो गए, 1 2 2 आइसो ग्रुप आपके हो गए और एक क्या हो गया ये आपका, ये हो गया आपका नियो ग्रुप। ठीक है, तो ये थे आइसो ग्रुप और नियो ग्रुप। इसके आगे जब हम लोग आईपीएससी नॉमिनेशन पूरा क्लियर कर लेंगे, तो हम लोग एग्जांपल जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।